In a helicopter crash, the government on 20th of May of India announced a one-day mourning on the 21st of May throughout the country. On Tuesday, the national flag will be flown at half-mast through India on all the buildings, and there will be no official entertainment. प्रधानमंत्री मोदी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से बहुत दुखी और स्तब्ध हूँ। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। पीएम मोदी ने ट्वीट में ये भी लिखा कि दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। और इंडिया को जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने आगे कंडेम किया इस वाक्य को, ठीक है, बोला कि इस मुश्किल वक्त में हम ईरान के साथ खड़े हैं। इसके अंदर एक हालात खराब है ऐसा है, और दूसरा ये है कि ये ईरान के अंदर ये हुआ है, और कोई एक हेलीकॉप्टर तो नहीं था, तीन हेलीकॉप्टर थे, उन तीनों में से एक को ये हादसा पेश आया। सो इसको बोलता वो है जिसके पास अवामी मैंडेट होता है, बोलता वो है जिसके पास इखलाकी जुर्रत होती है, बोलता वो है जिसके अंदर अपना विजन होता है। और दूसरा, पाकिस्तान को कोई क्लियरली स्टैंड नजर नहीं आता। एक तरफ आप उनके साथ $10 बिलियन की तिजारत करके बैठे हैं, दूसरी तरफ और आपका कोई बयान ही नजर नहीं आ रहा। एक जिस तरह चाहत फतेह अली खान सिंगर है, बिल्कुल इसी तरह मेरे मुल्क का शहबाज शरीफ वजीर आजम है। अच्छा। इंडिया का नरेंद्र मोदी, हम उसको पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन वो आया किसके जरिए है? बेल्ट बॉक्स के जरिए। इंडिया इज नॉट अ प्लेग्राउंड, इंडिया इज नॉट कनाडा, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। यू कैन नॉट प्ले गेम्स हियर, एंड वी नो हाउ टू कंट्रोल इफ यू वांट टू प्ले दोस गेम्स हियर। लुक, टुडे इंडिया कैन सर्वाइव विद और विदाउट ईरान्स हेल्प एंड सपोर्ट, बट How much does Iran need India? Because your China will only get you down the slope. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर भारत ने किया राष्ट्रीय शोक का ऐलान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अजरबैजान में एक हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे थे, जब कथित रूप में खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति रईसी समेत सभी यात्रियों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुर्घटना पर अपना चिंता जाहिर की। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर भारत ने आज 21 मई को एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया। देश की सभी इमारतों पर ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दौरान कोई मनोरंजन का कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। ईरान के प्रेसिडेंट के साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जान गई। अब कौन से कंट्री के कौन से प्रेसिडेंट या किस लीडर ने क्या रिएक्शन दिया, क्या रिस्पांस दिया, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आपने बोला इसे हिस्ट्री के साथ लिंक करेंगे, हिस्ट्री के साथ कैसे लिंक होता है? फिर कुछ लोगों का सोशल मीडिया, खासतौर पर पाकिस्तान में, यह खबर है कि भाई इसमें इंडिया की एम्बेसी जो ईरान में है उसके हवाले से भी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। फिर कई कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसमें मुसाद का हाथ हो सकता है। कुछ लोग को मतलब हर एक अपनी अपनी, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर ये हमला हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान का भी बड़ा, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इस पे मैं आपको बताता हूँ कि जो जब ये वाक्या हुआ है उसके थोड़े को 3-4 घंटे बाद जब ये ईरान की एजेंसी को इसका पता चला और उन्होंने तहकीकात करनी शुरू की, सबसे पहले उन्होंने इंडियन एम्बेसी के ऊपर जाके छापा मारा है। ठीक है, ये ट्वीट है, ये ट्वीट है, खबर कह लें आप, और इसकी खबर, मैं तो इस वाक्य से इतफाक नहीं करता। ठीक है, ठीक है। और ये वाक्या अगर ऐसा हुआ होता तो आजकल का जो दौर है, ये वाक्या छुपा नहीं रहना था इतनी देर तक, और इसको ऑन करना था, या इंडिया ने ऑन करना था या ईरान ने ऑन करना था। अभी तो फ्रंट पे आके दोनों ने ऑन नहीं किया इस वाक्य, और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने आगे कंडेम किया इस वाक्य को। ठीक है, बोला कि इस मुश्किल वक्त में हम ईरान के साथ खड़े हैं। ठीक है, अभी तक जो अमेरिका है उसका भी कोई सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं आया अभी तक, और बहुत सारे लोग जो है वो शक की निगाह से इजराइल या अमेरिका को देख रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह भी बनती है, जैसे कि अमेरिका ने सेक्शंस लगाई हुई हैं, उसके बाद इजराइल के साथ उनका रिसेंटली प्रॉब्लम चल रहा है, और ऊपर से चाइना वाला मसला, क्योंकि चाइना और इंडिया का जो एक क्लैश है वो आपके सामने है, और आपको पता है कि इस टाइम दुनिया जो है वो ब्लॉक्स के ऊपर चल रही है। और दूसरा, पाकिस्तान को कोई क्लियरली स्टैंड नजर नहीं आता। एक तरफ आप उनके साथ $10 बिलियन की तिजारत करके बैठे हैं, दूसरी तरफ और आपका कोई बयान ही नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये वो वक्त था जब देखिए ईरान पिछड़ गया था ना, अब ईरान का एक मसला बन गया था। पहले नंबर पे तो वो हमारा ब्रदर मुल्क है, ठीक है, हम चाहते हैं कि नेबर कंट्री है, और मेरी बात सुने, जैसे ईरान हमारा नेबर कंट्री है वैसे इंडिया भी हमारा नेबर कंट्री है। हमारे जितने हमारे हमसाए हैं उन सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, सबके साथ तिजारत होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए, अब पाकिस्तान को ये बहुत अच्छा मौका था कि पाकिस्तान आके फ्रंट पे आके मुस्लिम उम्मा को लीड कर लेता, लेकिन हम इस कंडीशन में हैं, लेकिन हम इस कंडीशन में इसलिए नहीं है कि हमारे पास जमहूरियत लूली लंगड़ी है।
ठीक हो गया, जिसको हम अपने ही संभाल नहीं पा रहे और हमारे यहाँ तो अपने IMF से पैसे लेने हैं, कैसे लीड। अब हमारा ध्यान इस बात के ऊपर है कि हमने IMF से पैसे लेने हैं और हमारे अंदर जो गंदम का क्राइसिस इतना बड़ा खड़ा होने वाला है, ठीक है, आप उसको सोच नहीं सकते। वीट का, गंदम का, वो देखिए अभी किसान जो है वो एहतजाज कर रहे हैं आपके खिलाफ, ठीक है। हालिया दिनों में ही ईरानी सदर ने चाबहार जो इनकी पोर्ट है वो इन्होंने इंडिया के हवाले की थी, कितने अरसे के लिए, 10 साल के लिए, कि आप यहाँ पे काम करें, खुद भी कमाएं, हमें भी कमाई करके दें। ऐसा ही हुआ। अब दूसरे पहलू की तरफ आ जाओ, ईरान का और सऊदी अरेबिया का एक लंबे अरसे से हालात कशीदा थे, जब ये प्रेसिडेंट बना तो इसने पेशरफ्त की। पेशरफ्त क्या थी कि अरब ममालिक के साथ ईरान के हालात के अंदर जो कशीदगी थी, जो नफरत की फजा थी, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी, ठीक है। अब ये दुनिया के अंदर, दुनिया की जो मईशत है, दुनिया के जो निज़ाम को कंट्रोल करता है उसका नाम इसराइल है। दुनिया के 5 तगड़े ममालिक जो हैं वो इसराइल के बात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं और उसको हवा भी देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसराइल जो है उसकी जो खुफिया एजेंसी है, जिस तरह इंडिया की राह है और इसराइल की जो है वो मुसाद है, मुसाद के अंदर एक और उनकी एजेंसी है जिसका नाम किडोन है। अब किडोन का फंक्शन क्या है? किडोन का फंक्शन ये है कि वो देखती है जिस तरह हिटलर ने छांट छांट के, चुन चुन के यहूदियों को कत्ल किया था, ये किडोन भी वो काम करती है कि इसराइल के यहूदियों का जो दुश्मन होता है उसकी ना सिर्फ निशानदेही करती है बल्कि उनको छांट छांट के, चुन चुन के कत्ल करती है। अब मोस्टली दुनिया जो है, बाशौर तबका जो है, जो हिस्ट्री को जानता है, उन्होंने क्या काम किया, फौरन अपनी उंगली का, अपनी तनकीद का और हेडलाइन जो है वो इसराइल को बना लिया कि हो ना हो ये नेचुरल वाकया नहीं है। अभी इसकी तहकीकात चल रही है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जी। ये एक जिस तरह चाहत फ़तेह अली हाँ सिंगर है, बिल्कुल इसी तरह मेरे मुल्क का शबाशरी वज़ीर आज़म है। अच्छा, बात क्लियर हुई। अब बात करें, ये जो बात करता है कश्मीर कश्मीर, इनका ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें। नवाज शरीफ जितनी मर्जी, जितनी दफ़ा भी कश्मीर के अंदर गया है, क्या वो हुर्रियत रहनुमाओं से मिला है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, हुर्रियत रहनुमाओं से वो मिला है या नहीं मिला? क्या नारे लगा रहे हैं, उनका क्या स्लोगन है? आज पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत बढ़ी है या कम हुई है? बहुत कम हो गई, बहुत कम। ये हमारे लिए बायस शर्मिंदगी है। एज ए पाकिस्तानी हम कहते हैं कश्मीर हमारी शाहराग है, क्या किया फिर हमने उसके साथ? सही बात है, बड़े अफसोसनाक मनाज़िर हैं कि वो कश्मीर की बात कर रहा था, कश्मीर से ये करेंगे। भाई वो अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से वो कोई काम कर नहीं सकता। आया किस तरह है सारी दुनिया को पता है। बोलता वो है जिसके पास अवामी मैंडेट होता है, बोलता वो है जिसके पास इखलाकी जुर्रत होती है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।